बडगाम अनहर्ड की पेशकश। आज की हेडलाइंस लेकर हम आपके खिदमत में हाजिर। आलमी वबाई बीमारी के चलते वादी में लॉकडाउन के 61 रोज मुकम्मल। रेड जोन इलाकों में सख्त तरीन पाबंदियां जारी, लोग घरों में महसूर। महाराष्ट्र में 24 घंटों में 55 पुलिस एहलकार हुए कोरोना से मुतासिर। रियासत में कोरोना मुतासिर पुलिस एहलकारों की तादाद हुई 1328। शहर श्रीनगर में 2 साल के तवील अरसे के बाद मुसल्लक तसदुम आरआई हिजब कमांडर जुनेद सोहराई साथी समेत जांबाग। तसदुम में 4 फोर्सेस एहलकार जख्मी। मुस्बत मरीज को भेजा गया घर। 7 घंटे गुजारे खानदान तालुकात और पड़ोसियों के साथ। बीएमओ की तरफ से कोविड मंथली सर्टिफिकेट जारी। हंदवारा में खोफो हिरास। मौलिक कोरोना वायरस ने कश्मीर में एक और मरीज की जान ली। जम्मू कश्मीर में मेलोकिन की तादाद 17 तक पहुंच गई। अपने कारोबार के इश्तिहार के लिए राबिता कीजिए जेके बड़गाम अनहर्ड से। राबिता नंबर है 9797048095 9682609279। DDC बांडीपुरा ने शब कद्र और ईद उल फितर के इंतजाम का लिया जायजा और कहा उलमाए किराम भी लोगों को घरों में नमाज पढ़ने और समाजी दूरी को यकीनी बनाने की कर रहे हैं दरख्वास्त। लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी और जंग जैसी सूरत हाल बरकरार। अब राजौरी सेक्टर में शदीद नवियत की गोलाबारी, उस पर एक शहरी जख्मी। मुल्क भर में कोरोना से 3000 से ज़ायद लोगों की हो चुकी है मौत। एक दिन में 4917 नए केस आए सामने। मुतासरीन की तादाद पहुंची 1 लाख के पार। वादी में लॉकडाउन के चलते ईद उल फितर की आमद। गोश्त सब्जियों बॉयलर मुर्गों की कीमतें आसमान पर, इंतजामिया खामोश। कोरोना वायरस वबाई मर्ज के बाद अवामी जिंदगी को मामूल पर लाने की तरफ एक बड़ा कदम। ऑस्ट्रेलिया के बच्चे आइंदा हफ्ते वक्ती तौर पर स्कूल जाएंगे वापस। कोरोना वायरस के 22 अक्वामी आलम में संगीन सूरतहाल। ईद उल फितर की नमाज घर में अदा करना जायज है, सूदी फिकह काउंसिल। दुनिया भर में कोरोना वायरस मुतासरीन की तादाद 48 लाख से जायद। मरने वालों की तादाद 3,18,000 से तजावुज कर गई। आज की हेडलाइंस में इतना ही। बड़गाम अनहर्ड की पूरी टीम को इजाजत दें। खुदा हाफिज़।